हेलो गाइस, स्वागत है आपका ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम बात करेंगे, 24 अक्टूबर को वीज़ा ग्रांट हुए हैं, आज काफ़ी सारे वीज़ा ग्रांट हुए हैं, उनकी टाइम लाइन शेयर करूँगा आपसे। शुरू करते हैं पहली टाइम लाइन, 74% टेंथ में थे, 12th में 54% इनके, बैचलर ऑफ आर्ट्स 64% थे इनके, फाइल लॉज 30 सितंबर को हुई थी, मेडिकल 4 अक्टूबर को हुआ इनका, और आज वीज़ा ग्रांट हो गया इनको 24 को। यूनिवर्सिटी इट इज़ कोविन यूनिवर्सिटी है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम लाइन की बात करते हैं, 13 सितंबर को लॉज हुई थी, 15 सितंबर को मेडिकल हुआ था, 21 सितंबर को अपडेट हुआ, 24 अक्टूबर ग्रांट हुआ वीज़ा। 2019 में 10वीं की थी, प्लस टू 2021 कॉमर्स 72% के साथ 58 पीटी में थे इनके। लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी है, बैचलर ऑफ बिजनेस को कोर्स था, जेन्युइन फंड दिखाए थे इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, फाइनली इनका 4 सितंबर को लॉज हुई थी, मेडिकल 16 सितंबर को अपडेट, 18 सितंबर को, यूनिवर्सिटी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी चढ़नी है इनकी, कोर्स MBA ग्लोबल है इनका, फंड 29 लाख के दिखाए थे, 67 पीटी में थे इनके, 60% ईच दे थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, इनकी लॉज 30 सितंबर को हुई थी, 4 अक्टूबर मेडिकल हुआ था, 8 अक्टूबर को हुआ डेट हुआ इनका, यूनिवर्सिटी ECU यूनिवर्सिटी है, BA 66.1% के साथ इनकी, कोर्स मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी है, मैनेजमेंट है इनका, क्लास स्टार्ट इनकी 14 नवंबर को है और इनका वीज़ा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फाइनली इनका भी आ गया है, 15 सितंबर को लॉज हुई थी, 19 सितंबर को मेडिकल हुआ था, अपडेट 22 सितंबर को हुआ, वीज़ा ग्रांट 24 अक्टूबर को हुआ, एजेंट ID भी चंडीगढ़ इनका, यूनिवर्सिटी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, कोर्स MBA इन फूड साइंस एंड मेजर था इनका। और आज दिवाली के दिन बहुत सारे वीज़ा आए हैं अभी तक जो वीज़ा प्राप्त हुए हैं, ये उनकी टाइमलाइन है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्लस टू 2022 PSCB सुपर मेडिकल था, 31 लाख फंड दिखाए थे, VU मेलबर्न है इनका, बैचलर ऑफ IT कोर्स है इनका, मेडिकल 16 सितंबर को हुआ था, फैबनटेक है इनका, ये इनका नाम अनमोल है, इनको आज वीज़ा मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, नेक्स्ट नी प्लस टू 2021 82% के आर्ट्स स्ट्रीम से था इनका, कनाडा एक बार रिफ्यूज़ हो चुका है इनका केस, ऑस्ट्रेलिया फाइल लॉज डेट 14 सितंबर को थी, मेडिकल 16 सितंबर को थी, तो इनका आज दिवाली के दिन 24 अक्टूबर को वीज़ा ग्रांट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, ये भाई का 10वीं 2015 में थी, 12वीं 2017 में हुई थी, बैचलर ऑफ 2021 में हुई थी इनकी, नो इंटरव्यू नो एम्बेसी कॉल, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है इनकी, इतनी ही टाइमलाइन है। तो इनको विदाउट इंटरव्यू विदाउट एम्बेसी कॉल के वीज़ा आ गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइमलाइन है, लेकंस कॉलेज है, नवंबर इंटेक है, बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी इनका कोर्स है, फंड 23 लाख सेविंग में दिखाए थे, आईलेट 7 बैंड थे इनके, प्लस टू में 78% थे इनके, 10th में 72%, 13 सितंबर को लॉज हुई, 15 को मेडिकल हुआ था, अपडेट सेम डे हुआ था, आज इनको वीज़ा मिला है। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, 13 सितंबर को लॉज हुई थी, 15 सितंबर को मेडिकल हुआ था, 21 को अपडेट हुआ था, 24 अक्टूबर को वीज़ा आया है, 10वीं 2019 है, 21 में इन्होंने की थी प्लस टू, PT 58 थे इनके, लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ बिजनेस जेन्युइन फंड थे इनटेक 31 अक्टूबर इनका। उनके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन है, इनका भी वीज़ा आया है, लॉज 14 सितंबर को, मेडिकल 15 सितंबर को हुआ था, 2018 में 65% थे, BC अक्टूबर 2021 67% थे, PT 65 वीज़ा आज 24 अक्टूबर को हुआ है। तो आज अभी तक कोई रिफ्यूज़ल नहीं आया है 24 अक्टूबर को, सारे वीज़ा ही आए हैं। तो अभी तक के वीज़ा की ये टाइमलाइन है, उसके बाद पार्ट टू मैं बनाऊँगा जिसमें जो बचे हुए शाम तक वीज़ा आएंगे उनकी टाइमलाइन होगी। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।